समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान ने यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर हैरानी जताते हुए कहा कि हार पर मायूस होने के बजाय ऊपर वाले के फैसले पर यकीन करना होगा। शुक्रवार देर रात कार्यकर्ताओं के साथ एक छोटी बैठक में खान ने कहा, पूरा मुल्क हैरान है और हैरत जदा है कि यूपी में समाजवादी की सरकार क्यों नहीं बनी। ये बात समझ में नहीं आती क्यों नहीं बनी। हमारा हिसाब फेल, सरकार बनाने वालों का गणित फेल, हर कोई हैरान है क्या हुआ है। हारने वाले को हारने का भरोसा नहीं, जीतने वाले को जीतने का यकीन नहीं, क्या हुआ है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हमें कुदरत के फैसले के आगे सर झुका देना चाहिए। ये बात समझ में ही नहीं आती क्यों नहीं बनी। हम हिसाब बताते हैं तो हमारा हिसाब हमारी प्रवृत्ति फेल। जो सरकार बनाने वाले लगाते हैं तो उनकी प्रवृत्ति फेल। जीतने वालों को अपनी जीत पर भरोसा दें और हारने वालों को अपनी हार दें। ये क्या हुआ है ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हमें उसके फैसलों के सामने से छुपा देना है। यकीनन कुदरत कोई बड़ा फैसला। आजम खान यही नहीं रुके, उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे शख्स का साथ दे जिसके दामन पर कोई दाग नहीं, जिसकी पेशानी साफ है। हमारा दामन तो इतना दागदार कर दिया है कि हमें अपने दामन पर अफसोस होता है। जिसका जो जी चाहता है वो हम पर इल्जाम लगा देता है। बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, हमने शराब की दुकान लूटी है, बल्कि हमने इन चीजों की डकैती की है। पार्टी कार्यालय दारुल उलूम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजम खान ने कहा, मैं सिर्फ शपथ के लिए थोड़ी सी देर के लिए विधानसभा गया था तो भाजपा के वजीर एमएलए के सर नहीं उठे। मुझे मालूम था वो मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे और नहीं मिला सके। बस एक ही जुल्म बाकी रह गया था, बची हुई जान भी निकाल ली जाए। जब मैंने कहा था मैं रामपुर को दुनिया के नक्शे पर ला दूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे दीवाना हो गया। लेकिन अब ना सिर्फ ये कि रामपुर को दुनिया के नक्शे पर ले गए हैं, बल्कि पूरी दुनिया ये जानती है कि रामपुर के साथ बहुत जुल्म हुआ है। आज मैं आसिम राजा के लिए नहीं, एक बार फिर तो अपने लिए आपने मेरा कोई साथी ये नहीं कह सकते कि मैंने कभी उनकी दिलासा की। और अगर किसी की दिलासा भी कर दी थी, किसी पर डांटा भी, तो क्या उसे कई गुना ज्यादा।